ज़रा गौर फरमाइएगा जनाब, यूं ही राह मंजिल में नहीं मिल जाते लोग, इत्तफाकन हर रह गुजर का मंजिल से वास्ता होता है। कुछ ऐसा ही इत्तेफाक हुआ जब मेरी मुलाकात हुई आशिकी 2 के नायक आदित्य रॉय कपूर के साथ, वो भी भूटान की इस यादगार सफ़र में। आगे क्या हुआ इसके लिए तो आपको वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। वैसे अगर ये शेर पसंद आया तो हौसला अफजाई के लिए एक लाइक अदा करते चलिएगा। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अभी बज गए सुबह के 7 और सब सुबह सुबह आज हम लोग निकल गए हैं भूटान की उस जगह को देखने जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसकी तस्वीरें आपने पूरे इंटरनेट पे देख रखी होगी। वो जगह है टाइगर नेस्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टाइगर नेस्ट के लिए और चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो हम पहुंच गए हैं बेस पे जहां से कि ये हाइक शुरू होगी और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो टिकट काउंटर। 7:30 बजे सुबह से टिकट काउंटर खुलेगा और टिकट्स मैंने ले लिए 2 टिकट। 500 पर पर्सन टिकट की कॉस्ट है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है, तो आपको 250 रुपये लगेंगे। तो टिकट भी हो गई, जगह भी पहुंच गए, अब हाइक शुरू करते हैं। यहां से आप छड़ी ले सकते हैं, काफ़ी लोग छड़ी लेके भी जाते हैं और 50 रुपये की एक छड़ी पड़ रही है, वापस करना होगा आके यहाँ पे, रिफंड नहीं मिलेगा कुछ। तो मैंने एक छड़ी ले ली है अच्छी सी और अब बस चलते हैं, इधर से ही शुरुआत है, यहीं से, यही रास्ता जहाँ से कि हम लोग अंदर एंटर करेंगे। चलिए चलते हैं। सो गाइज, इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 आवर और वी आर हाफ वे। वहाँ कहाँ, वहाँ ऊपर आप देख रहे हो उस जगह अपने को जाना है, दैट्स तकसांग लखांग तकसांग मॉनेस्ट्री टाइगर्स नेस्ट। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। हम लोग मतलब जब जा रहे थे तो अचानक वी सॉ आदित्य रॉय कपूर एंड हिज ब्रदर एंड वी वर लाइक व्हाट। सो अभी वो लोग बस आगे गए हैं और अभी देखते हैं, अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर वीडियो में मैं उनके साथ एक वीडियो ज़रूर लूँगा आपको दिखाने के लिए। तो फिलहाल तो आगे जा रहे हैं, पीछा करता हूँ उनका। आधी चढ़ाई चढ़ने के बाद ऑलमोस्ट लेवल अप हो गया और अब थोड़ा सा चलना आसान हो रहा है। सो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होता है। It's beautiful. Yeah. Oh. So it reminds me of the hike in Bolivia. So guys, we managed to get some pictures, but unfortunately video nahi ho pai. But then pictures are equally worthy, yaar. Very nice. So wo puri family saath mein hai. Siddharth Roy Kapoor, Aditya Roy Kapoor and Kunaal Roy Kapoor. Oh my god, it was such a fun. Maza aa gaya yaar. Ab lag raha hai ki Bhutan trip genuinely bahut achhi nikal rahi hai. और यहाँ आने का पूरा पर्पस सॉल्व हो गया, मज़ा आ गया यार। सो हम लोग आधा रास्ता पहुँच गए हैं और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं खूबसूरत सी टाइगर नेस्ट ताकसांग लखांग। और नीचे ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये इससे होते हुए सीढ़ियों के थ्रू जाएंगे और फिर वहाँ आपको कुछ दिख रहा होगा, वो दिख रहा है उस जगह से फिर सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर चढ़ेंगी और हम पहुँचेंगे टाइगर्स नेस्ट। तो अभी तक काफ़ी मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ मिलकर तो और मज़ा आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सो गाइस, अभी जब टाइगर नेस्ट की ये वाली अपनी हाइक हो रही थी तो आई मेट अनदर सेलिब्रिटी एंड शी इज़ अ यूट्यूबर ऑल्सो, इनका चैनल है बहुत ज़बरदस्त। आप बताओ थोड़ा कुछ। सो माई चैनल गोज़ बाय द नेम विशा खंडेलवाल, जो कि मेरा नाम है,
और अभी तक कुछ 11-12 वीडियोस अपलोड किए हैं. मुझे माउंटेन बहुत पसंद है तो काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे चैनल पे. या एंड द बेस्ट पार्ट, मैंने जो चैनल में नोटिस किया कि शी क्विट हर जॉब एंड शी इज़ परसुइंग दिस, आपको कह रहे थे उसको जज्बा, मतलब ये जो इनका अंदर से था कि मुझे ट्रैवल करना है, मैंने कॉलेज में वो चीज़ें नहीं कही, वो चीज़ें मिस हो गई थी. तो शी क्विट हर जॉब एंड शी स्टार्टेड ट्रैवलिंग एंड मेकिंग वीडियोज एंड ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि भाई हाउ ब्यूटीफुल द वर्ल्ड इज. और आप भी अपने क्यूबिकल से बाहर निकलो एंड यार चलो बाहर चलो, देखो दुनिया को बहुत खूबसूरत है. सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके भाई. थैंक यू. अब मुझे भी फीलिंग इज म्यूचुअल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. हम मिले थे सिंपली भूटान में और अब हम फिर से मिल गए हैं यार टाइगर नेस्ट में, तो बहुत ही अच्छा लगा. इंडिया के दो लोग भूटान में आए मिल गए और तो अच्छा लगा. चलो तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी थी लाइक तो जरूर करना और फिर इधर इनके चैनल को भी सब्सक्राइब. तो हाँ दोनों के चैनल को करना. चलो फिर मिलते हैं बाकी. थैंक यू. तो गाइस जब यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ी सी स्टोरी तो बताना बनता है. तो ये टाइगर नेस्ट जो है इसे बनाया गया था 1692 में और एक मंक थे जो टाइगर पे बैठ के यहाँ तक पहुँचे थे. यहाँ वैसे टाइगर नहीं मिलते लेकिन वो टाइगर पे बैठ के यहाँ तक पहुँचे थे और इसलिए इसका नाम टाइगर मोनास्ट्री या ताक्सांग लखांग, जो कि भूटनीज लैंग्वेज में बोलते हैं इसको ताक्सांग लखांग. तो यही एक छोटी सी स्टोरी है, बाकी अंदर चलेंगे तो काफ़ी कुछ पता चलेगा. चलते हैं फिलहाल. So guys, finally we made it to the tiger's nest. और यहाँ के बाद से फोटो एंड वीडियो अलाउड नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, बट मैं अंदर जाता हूँ और फिर अंदर जाके बताता हूँ क्या कुछ चीज़ें थी. अभी तक एक्सपीरियंस बहुत ही ज़बरदस्त था, इनक्रेडिबल. और हाइक वॉज टफ लेकिन बहुत मज़ा आया. इट वॉज नाइस. अगर आप धीरे धीरे चढ़ते हो आराम आराम से तो इट्स ईजी. One eternity later. So guys, tiger's nest हो गया है, पीछे ही है ये टाइगर नेस्ट और करीब करीब शायद 6 टेम्पल्स हैं अंदर में. अलग अलग गॉड्स के बारे में है. पद्म संभवा एक इनके बुद्धिस्ट मंक रहे थे बहुत पहले और उनको ही डेडिकेटेड है ऑलमोस्ट ये पूरा टेम्पल. तो हाइक हो गई, टेम्पल्स देख लिया. अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और आप जैसे जाओगे तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी चेक है. वहाँ पर आपको एक क्लॉक रूम जैसा है, उसमें आपको एक चाबी दे दी जाएगी, आपको एक लॉकर दे दिया जाएगा. आप अपने साथ जितना भी सामान लाए आप उसको वहाँ रख दें. छड़ी आप नहीं रख सकते, छड़ी रखने के लिए आपको कहीं एक सीक्रेट जगह ढूंढनी को भी होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा छड़ी ही चोरी होती है. तो वहाँ पर बस अपना लॉकर में सामान रख दीजिए. आपके साथ सिर्फ पैसे जा सकते हैं और कुछ नहीं जा सकता. तो बस यही रहा. बाकी अब चढ़ाई करते करते तो भाई लग गई है भूख. तो अभी क्या करते हैं कि मैंने कुयाद का फार्मर्स मार्केट से ऑरेंजेस ख़रीदे थे, ऑर्गेनिक ऑरेंजेस. तो विल ट्राई दीज ऑर्गेनिक ऑरेंजेस यहाँ टाइगर्स नेस्ट में. और शायद आपको ये चीज़ नहीं दिख रही होगी लेकिन बहुत समय बाद मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऑरेंजेस में से ये जब आप पहले बचपन में हम लोग ऐसे खेला करते थे, इसमें से ऐसे रस निकलता था और उसे ऐसे लोग आँखों में डालते थे. तो अगर आपने भी ऐसा किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना. और मुझे शायद कितने सालों बाद ये इस तरह मिला है कि जिसके छिलके में इतना ज़्यादा आपको रस मिल रहा है. तो इट्स गुड, ऑर्गेनिक चीज़ें हमें तो अब मिलता नहीं है. सो चलिए ट्राई किया जाए ये ऑर्गेनिक ऑरेंज सबसे पहले. इट्स जूसी. स्वीट, इट्स जूसी एंड इट्स जबरदस्त. परफेक्ट. सो गाइज वी आर फाइनली एट द बेस और हमें बहुत टाइम लगा यार, 8.5 घंटे. बट देन हम काफ़ी देर वहाँ पे रुके हुए थे, वीडियो बना रहे थे, फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, कई लोगों से मिला. आपने वीडियो में देखा होगा दो सेलिब्रिटीज़ मिले, आदित्य रॉय कपूर विथ फैमिली. और मज़ा आया यार, ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा, मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा था. अब यहाँ पे इसको एंड करेंगे लेकिन उसके पहले मैं पूरा एक्सपीरियंस एक बार
कुछ पॉइंट्स में समराइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको जब चढ़ाई आप शुरू कर रहे हो कुछ चीज़ हमें ध्यान रखना, आपके पास अच्छे हाइकिंग शूज़ होने चाहिए क्योंकि जब आप उतरोगे तो बहुत स्लिपरी हो जाता है। दूसरा आप टिकट ले लेना, 7:30 बजे काउंटर खुलता है, सबसे पहले आप जाकर टिकट लेना क्योंकि टिकट ऊपर चेक किए जाते हैं और अगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर आप ऊपर विजिट नहीं कर सकते हैं मैं टेम्पल में। जैसे ही आप टिकट ले लेते हैं उसके बाद कोशिश करें कि आप सुबह जितनी जल्दी हो सके आप तब शुरुआत करें, उससे आप जल्दी पहुँचेंगे, ज़्यादा समय बिता सकेंगे और उतरना चढ़ना ये सब जो है आप आराम आराम से कर सकेंगे। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ आई फोर्थ, अपने साथ लाठी डंडा ज़रूर रख लेना क्योंकि चढ़ने उतरने में बहुत आसानी होगी उसके साथ। और एक चीज़ अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा, बोतल अगर खाली हो जाती है तो ऊपर वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत झरना है, उससे बहुत साफ और ठंडा पानी आता है, वो पानी आप ज़रूर पीना, बहुत रिफ्रेशिंग है। जितना कम से कम हो सके सामान कैरी करिएगा आप क्योंकि बहुत भारी हो जाता है तो चढ़ने में प्रॉब्लम आती है। कई सारे शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे जिसमें कि अगर आप ले रहे हैं तो एक बार देख लेना क्योंकि काफ़ी स्टीप भी होता है वो। और रेस्ट आई गेस इतना ही है, बाकी आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन दबाइएगा। आज तो मैंने 2-2 सेलिब्रिटी से आपको मिलवाया, तो बस बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।